जिला बिलासपुर के स्वारघाट उपमंडल के अंतर्गत श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में ग्वालथाई और स्वारघाट में भाजपा के मुख्य प्रवक्ता पूर्व विधायक रणधीर शर्मा ने गैस कनेक्शन वितरित किए। मुख्यमंत्री हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत महिलाओं को गैस कनेक्शन बांटे गए। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के हिमाचल दौरे पर कहा कि कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही है। राहुल गांधी की रैली को लेकर कांग्रेस की हालत आज खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हो गई है, क्योंकि जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है, उससे बौखलाए कांग्रेसी नेता सोच रहे हैं कि क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व को खुद कांग्रेस पार्टी ने ही ठुकरा दिया है और अब प्रियंका गांधी का सहारा लिया जा रहा है। रणधीर शर्मा ने कहा कि इतिहास भी गवाह है, जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां वहां कांग्रेस हारती है, और हिमाचल से शुरुआत की है तो अब परिणाम आने वाले समय में देख लेना, और हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की गंगा बही है, भाजपा की चारों सीटें जीतेंगी। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेसी नेता इसकी रैली को लेकर बड़े उत्साहित हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, परंतु आज कांग्रेस पार्टी की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी, उन्हें समझ नहीं आ रहा वो करें तो क्या करें। जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ रहा है, कांग्रेस पार्टी के नेता बौखला गए हैं और बौखलाहट में उनके नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जो देश हित में ही नहीं। और राहुल गांधी जी का तो व्यक्तित्व और कृतित्व के कारण वो जनता के बीच हास्य का पात्र बने, जनता में उनकी कोई अपील नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने ही उनके नेतृत्व को ठुकरा दिया है, तभी तो प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में लाए। इतिहास भी गवाह है, जहाँ जहाँ राहुल गांधी जाते हैं वहाँ वहाँ कांग्रेस हारती। हिमाचल प्रदेश में शुरुआत वो उनकी रैली से कर रहे हैं, परिणाम आपके सामने आ जाएंगे। हमने 2014 में भी चारों की चारों लोकसभा सीटें जीती थी, जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और देश में भी कांग्रेस की सरकार थी। अब तो देश में 5 साल से हमारी सरकार है, जिसकी देश हित और जनहित में अनेक उपलब्धियां हैं, और पिछले 1 साल से हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने प्रदेश हित और जनहित में अनेक योजनाएं और नीतियां चलाई हैं। और इन दोनों सरकारों की उपलब्धियों के आधार पर हम दावे से कहते हैं हम चारों की चारों सीटें जीतेंगे। राहुल गांधी जी की रैली का कोई असर हिमाचल की राजनीति पर पड़ने वाला नहीं है।